अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा, आज हम करेंगे उर्दू का लेक्चर नंबर 1। हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की उर्दू की नज़म हम्द। तो मैं पहला मिसरा पढ़ के बता दूँ आपको। मैं इस तरह दरअसल ये करूँगा कि आपको मैं शेर पढ़ के बताऊँगा, फिर उसको आपको मायने बताऊँगा आपको सारा इसका, पूरे शेर का, ठीक है? तो अगर आपने तशरीह याद नहीं भी करनी, या फिर आपके पास टाइम कम है, क्योंकि आज जैसे कल उर्दू का पेपर है फर्स्ट ईयर का, तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो जाए, उनको समझ आ जाए। अगर उन्होंने तशरीह नहीं भी करनी तो मायने समझ के वो अपने अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको डिटेल से सब समझाऊँगा, इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं रहेगी। तो शुरू करते हैं, ठीक है? सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, इससे हमें सपोर्ट मिलती है, हम फिर और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये ऐसे लिखा हुआ है, फ़िक्रो दानिश की है मेराज खुदा का इकरार, फ़िक्रो दानिश की है मेराज खुदा का इकरार, यही वजदान की आवाज़ है फितरत की पुकार, यही वजदान की आवाज़ है फितरत की पुकार। मुझे बताओ कि अब आप लोगों को इस 2 लाइनों से पढ़ के आप लोगों को क्या दिमाग में बात आती? पहली मुझे तो ये बात आती कि फ़िक्रो दानिश की है मेरा, सीरियस मैं सही बताऊंगा, मुझे भी, मैं अपने आप को समझ रहा हूँ कि मुझे अभी मैंने कोई मायने देखी नहीं, ठीक है? बगैर मायने के बता, मुझे क्या समझ आती? मुझे ये समझ आती कि इसमें लिखा हुआ है फ़िक्रो दानिश की है मेरा खुदा का इकरार, मतलब कि खुदा का इकरार, हमें हमें अल्लाह को मानना चाहिए, अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ से प्यार करना चाहिए, यही वजदान की आवाज़ है फितरत की पुकार, यही वजदान की आवाज़ है, मतलब वजदान का मुझे मतलब नहीं पड़ता है, ठीक है? आवाज़ है फितरत की पुकार, इसका मतलब बता। तो मैं मुश्किल से इस तशरीह की 5 लाइन लिख सकता हूँ, वही लिखूँगा कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को बनाया है, पूरी दुनिया का खालिक और मालिक है, अल्लाह के सौ कोई बरत के लायक नहीं, यही यही मैं लिखूँगा, ठीक है? हालाँकि शेर में जो है इसमें अगर मुझे मतलब समझ आ जाए तो मैं 5 से 10-15 लाइनें और लिख सकता हूँ, ठीक है? तो आपको मतलब बताता हूँ, मुझे मतलब बता दो ताकि आप इसको 5 लाइनों के बजाय 10-15 लाइनों में अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, वो डाटा आपके पास मौजूद हो जाएगा जब आपको मतलब बताता हूँ मैं, ठीक है? फ़िक्र का मतलब है फ़िक्र करना, ठीक है? दानिश का मतलब है अकल, दानिश अकल, अकलमंदी से काम लेना, ठीक है? मेराज का मतलब है बुलंदी, मतलब किसी बुलंदी पर पहुंच जाना, ठीक है? और खुदा का तो पता है आपको, लाइक है अल्लाह के सब कोई इबारत के लाइक नहीं। इकरार का मतलब है अल्लाह का इकरार, अल्लाह से मोहब्बत करना, ठीक है? ठीक है, और आगे यही वजदान, यही का मतलब आपको पता है, वजदान का मतलब होता है किसी चीज़ का मालूम हो जाना, किसी चीज़ का मालूम हो जाना, मतलब कि आपको किसी का राज पता था, आपको किसी का मालूम हो जाना, आपको किसी की बात मालूम हो जाती है, ठीक है? तो ये है याद तक का मतलब। अब फितरत की पुकार, फितरत मतलब इंसानी फितरत कैसी होती है, मतलब लोग किस तरह के होते हैं, ठीक है? फितरत की पुकार, अब मैं आपको बताता हूँ आप इस तरह हिडन मीनिंग क्या है इस शेर में। इस शेर का हिडन मीनिंग ये है कि इंसान जब अक्लमंदी से अपने अरूज पर पहुँचता है, मतलब बुलंदी पर पहुँचता है, ठीक है? बुलंदी पर पहुँचता है तो वो अल्लाह को भूल ना जाए, ठीक है? क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के साथ उसको कामयाबी नहीं मिल सकती है, ठीक है? तो जितनी मर्ज़ी वो इंसान बुलंदी पर पहुंच जाए, अल्लाह को भूलना नहीं चाहिए, अल्लाह से प्यार करना चाहिए, यही है किसी चीज़ का मालूम हो जाना, यही वजदान के बारे में, मतलब आपको ये बात आपको पता चल चुकी है कि कामयाब सिर्फ आप अल्लाह की वजह से हो। अगर अल्लाह आपको कामयाबी ना अता कर रहा तो आप कामयाब ना होते, ठीक है? कुछ लोग ऐसे करते हैं कामयाब हो जाते हैं, फिर वो बहुत मगरूरी बन जाते हैं, उनको फिर ये कहते हैं कि हम क्या, हम दीन से क्या करें, हम बहुत बड़े बन चुके हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जितने भी आप बड़े आदमी बन जाए हमेशा सर झुकाना है। तो यही वजदान की बात है, इसमें आप लिखे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, स्टार्ट ये करेगी शेर में, शायरी ये कहते हैं कि इसमें इन्होंने अल्लाह की खूबियों के बारे में बताया कि नहीं, अल्लाह खूबियों के बारे में नहीं, क्योंकि इसमें अल्लाह खूबियों के बारे में बताया नहीं, बताया ना, तो इसमें स्टार्ट करें इस तरह के, इस शेर में शायरी ये कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला के इकरार को दिलों से जान जान कर लें, अल्लाह ताला मौजूद है इस दुनिया में, हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, हम जितने बड़ी बड़े आला ज़र्फ़ इंसान बन जाए, हमें जितने मर्ज़ी हम बड़े बन जाए,
हमें अल्लाह को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही वो एक रास्ता है जो मुश्किल वक्त में इंसानों की मदद करता है। फिर इस तरह बता दे कि आगे अब या 5 लाइनों में ना आपने इस शेर का बताना है मतलब, ठीक है? 2-3 लाइनों में आपने इस लाइन का मतलब बताना है, ठीक है? फिर इस लाइन का मतलब, टोटल लोगी 9 लाइनें, ठीक है? पहले 5 लाइनों में पूरा इसका मतलब बताना है, ठीक है? फिर आगे 2 लाइनों में इस एक लाइन का, फिर इस लाइन का, ठीक है? ताकि एग्जामिनर को अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि उसने पूरा, ये टेक्निक्स होती है, ठीक है? फिर आगे बाकी 3 लाइनों में आपने एडिशनल डालनी तशरीह, मतलब कि अल्लाह ताला ने फल फूल बनाए हैं, अल्लाह ताला की बहुत सी खूबियाँ हैं, इंसान जानवर सब अल्लाह ताला के हुक्म चलते हैं। जब हम इससे ये एडिशनल बात डाल दे कि जब हम सुबह सो के उठते हैं, तो जब हम तो सुबह सुबह का वक्त होता है, परिंदे चहचहा रहे होते हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं, हर कोई ये दुनिया सिर्फ अल्लाह के निज़ाम से चल रही है। इस तरह बातें आप ऐड करें, आपको थोड़ी बहुत समझ चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है आपने 9-10 में तशरी कर हम की तो की होगी, आपको इतना तो पता होगा क्या क्या एडिशनल बातें लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये थी हमारे पहले नंबर की, डन हो गई है। अब हम चलते हैं दूसरे पे। ज़र्रे ज़र्रे की शहादत के खुदा है मौजूद, पत्ते पत्ते को है सना की सफात का इकरार, सिफ्त का इकरार, हाँ बिल्कुल सिफ्त का इकरार, सिफ्त का इकरार हो गया। तो ये वीडियो दरअसल हमारी बनेगी 30-40 मिनट की, ठीक है? या उससे पहले बन सकती 25-30 मिनट की बन सकती, क्योंकि लंबी वीडियो कराऊंगा, एक बारी में पूरा ख़त्म करा दूंगा आपको, ठीक है? बार बार पार्ट्स ही बनाऊंगा इसके, मैं आपको एक बारी में ख़त्म करा दूंगा। देखें समझें, आगे वीडियो को शेयर करें अगर पसंद आती है। तशरीह खुद से लिखें, तशरीह कभी भी याद ना करें, याद करेंगे तो देखिए इसमें बुक में कोई 13 नज़में हैं, ठीक है? नज़में आप याद करें, उनकी तशरीह याद करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और फिर फ़ायदा नहीं होगा कि अगर एग्जामिनर उसमें एक शेर की तशरीह दे दे आपको, या फिर आपको पता है आजकल बोर्ड में ऐसा लोग बेचने वाले कि आप तशरीह अपने वो बलोचिस्तान की बुक में से दे दे, आप ये वाली बुक पढ़ रहे हैं, तो मसला हो जाएगा ना फिर। तो इसलिए पढ़ाई करें लेकिन स्मार्ट तरीके से करें। तो अपने पास है तो तशरीह लिखे, मायने याद कर ले, इसका मफहूम देख लें, और अपने अपने पास है तशरीह लिखें। अब ज़र्रे ज़र्रे की शहादत के खुदा है मौजूद, पत्ते पत्ते को है सना की सिफ्त का इकरार। अब इसमें मायने बताता हूँ, मायने नोट डाउन कर लें आप। इसमें है हमारे पास सना का मानी, ये इसका मायने है हमारे पास कारीगरी, ठीक है? मतलब किस चीज़ को बनाना, बनाने वाला, खालिक, ठीक है? ये पेज बार बार तंग की जा रहा है, बनाने वाला, ठीक है? खालिक किसी चीज़ को बनाने वाला, सना बनाने वाला लिख लें, ठीक है? और आगे मायनी है, हाँ ये अब इसमें और कोई मुश्किल मायनी नहीं है, शहादत का वो पता है, ज़र्रे ज़र्रे का भी पता है आपको, पत्ते पत्ते का ही पता है, सिफ्त का ही पता है आपको, किसी की अच्छी बात, सिफ्त, इकरार, मोहब्बत, पत्ते पत्ते का पता होगा आपको, ज़र्रे ज़र्रे का पता है, खुदा है मौजूद, ठीक है? अब इसमें और कोई मुश्किल बात नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ इसका मायनी, बाकी मफहूम तो मायने भी बता चुका हूँ मैं। तो मफहूम इसका ये है कि ज़र्रे ज़र्रे की शहादत के खुदा का है मौजूद, मतलब कि दुनिया के छोटे से छोटा इंसान भी, कीड़ा, ज़र्रे, एक एक चीज़ को पता है कि खुदा है मौजूद इस दुनिया में, क्योंकि अल्लाह के सिवा इस दुनिया में एक मच्छर भी हिल नहीं सकता है, इंसान क्या, मच्छर भी हिल नहीं सकता है, एक मतलब दिन हुआ है तो रात, जब तक अल्लाह के हुक्म से दिन और रात होते हैं, अल्लाह ने रात तो कर दी, अल्लाह के हुक्म से अगर दिन ना हुआ तो दिन नहीं हो सकता है, ठीक है? मतलब कि ज़र्रे ज़र्रे एक खुद अल्लाह ताला का इतना है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर एक चीज़ भी हिल नहीं सकती है। ज़र्रे ज़र्रे की शहादत है खुदा है मौजूद, मतलब हर एक चीज़ को पता है कि अल्लाह मौजूद है। पत्ते पत्ते को सना की सिफ्त का इकरार, सना का मतलब बात तो कारीगरी का बनाने का, पत्ते पत्ते को दरख पौधे हर चीज़ को पता है कि अल्लाह ताला है मौजूद, अल्लाह ताला की सिफ़त हमको पता है, अल्लाह ताला इकरार, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। तो इस तरह ये अगर तो आपको ये शेर आया, ये शेर आया, ये शेर आया, इन सब में ना एडिशनल बातें आप डाल सकते हैं, ठीक है? वो आपको कभी भी 2 शेर नहीं देंगे, एक शेर दे देंगे या फिर बंद दे देंगे, एक ये एक दोनों को मिला के कर देंगे, फिर आपके पास बहुत डाटा हो जाएगा, फिर आप कम से कम 1.5 पेज या 2 पेजेस लिख सकते हैं।
मेरा माइनिंग ये है कि मेरा मतलब ये है कि ये एक आया तो आप इसमें फुल ऑन जान लगा दें, अपनी जितना एडिशनल डाटा ऐड कर सकते कर दें। इस शेर का आपने टोटल 5-6 लाइनें बस लिखनी है टोटल, ठीक है? बाकी आप एडिशनल बातें आपने कोई 10 लिखनी है, ठीक है? तो वो तो आपको पता होगा, तो अब हम नेक्स्ट शेर पे मूव करते हैं। मायने आपको मैंने बता दिए, मफहूम भी बता दिए कि हर कोई चीज़ इस दुनिया में, कोई चीज़ अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं चल रही है। हर एक चीज़ को पता है कि अल्लाह है मौजूद। कोई भी चीज़ इस दुनिया में बामायनी नहीं आई है। हर किसी चीज़ का फ़ायदा होता है, एक छोटे से छोटे कीड़े तक का फ़ायदा है। आप एग्जांपल दे सकते हैं, वहाँ पे जाके मसलन कह सकते हैं कि एक मक्खी जो है, मक्खी अगर दुनिया में ना हो तो ये दुनिया का पूरा तबाह हो, बर्बाद हो जाए, क्योंकि मक्खी वो काम करती है जो इंसान की सोच से बाहर है। मक्खी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो चलें नेक्स्ट पे मूव करते हैं। उसी खालिक ने जौहर को तवानाई दी, फूल पत्तों को अता जिसने किए नक्शो नगार। उसी खालक ने जौहर को तवानाई दी, फूल पत्तों को ताज जिसने किया नक्शो नगार। जौहर खूबसूरत, खूबसूरत चीज़, खालिक बनाने वाला, तवानाई ताकत, और नक्श, ये अपने नक्श लिखा है। नक्श, नक्श का मतलब है खूबसूरत बना देना किसी चीज़ को। नक्शो नगार का मतलब है खूबसूरत बना देना किसी चीज़ को। खालिक का मतलब बनाने वाला, जोहर खूबसूरत, तवानाई ताकत, नक्शो नगार किसी चीज़ को खूबसूरत बना देना। बाकी फूल पत्तों को तो पता है, और इसमें कोई मुश्किल मानी नहीं है। तो इसमें यह है कि इसमें हमें ये इम्पोर्टेंट बात पता चली है कि इसमें ये बात है कि इसमें ये बात है कि जितनी खूबसूरती फूल पत्तों को अता की है वो सब अल्लाह ताला ने अता की है। अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये फल फूल पौधे जो हमें खुशी देते हैं, जो हमारे दिमाग को सुकून पहुँचाते हैं, ये सब अल्लाह ताला की रहमत से आए हैं। अल्लाह ताला के बगैर ये कुछ भी मुमकिन नहीं है। ये फूल पौधे दरख्त जो हमें ऑक्सीजन देता है, जो हमें तवानाई देता है, हमें ताकत देता है, हमें नेचर, ये सारी अल्लाह ताला के हुक्म से चल रही है। अगर अल्लाह ताला इनको एक दिन के लिए दुनिया से निकाल दें तो दुनिया पूरी तबाह बर्बाद हो जाएगी, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा, इंसान मर जाएंगे। अल्लाह ताला ने कायनात की हर चीज़ पर अल्लाह कादिर है। अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। ये बात है, एडिशनल बातें ऐड कर सकते हैं। उसी खालिक ने जौहर को तवानाई दी, मतलब खालिक ने जौहर खूबसूरती, मतलब उसी ने हर एक चीज़ को बनाया है, रंग मुख्तलिफ मुख्तलिफ रंग दिए हैं, खूबसूरत बनाया है चीज़ों को, फूल पत्तों को उसने खुशबू ता की है, बनाया उसी ने है जिसने नक्शों किए नक्शों निगार, बनाने खूबसूरत बनाने वाला, ठीक है? ये बड़ा सिंपल शेर है, ये नहीं आएगा, पर ये मुश्किल है, ये चांसेस कम है कि ये आए, लेकिन इसकी भी आप बंद में आ सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि ये और ये कंबाइन करके दे सकते हैं आपको, तो अकेला ये नहीं आएगा। तो इसकी इसीलिए इसकी तशरीह मैंने आपको बता तशरीह बता दी, तशरीह भी तो आप बता दी है, एडिशनल बातें आप ऐड कर सकते हैं। बाकी मफहूम इसका मेन था वो बता दिए, मायने बता दिए। अब हम चलते हैं नक्श शेर की तरफ, जो है हमारा 4। मैं अभी ना पॉज के लिए बता रहा हूँ, तो हम आपकी वीडियो कंप्लीट करेंगे, बेफिक्र हो जाए आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं 4 नंबर शेर। उसी खालिक उसी मालिक की है सब हमदो सना, आबशारों का तरन्नुम हो के गुले बाग हजार। उसी खालिक उसी मालिक की है सब हमदो सना, आबशारों का तरन्नुम हो के गुलबांगे हजार, गुलबांगे हजार, गुलबांगे हजार। मुझे बताओ गुलबांगे हजार का मतलब क्या है? ये गुलबांगे हजार, गुल का मतलब है हमारे पास फूल, ठीक है? बांग का मतलब है आवाज़, किसी चीज़ की आवाज़, अजान की आवाज़ फॉर एग्जांपल। और आगे क्या है हमारे पास? आगे हमारे पास हज़ार का मतलब है, अब इसको 1,000 रुपये समझना लेना, 1,000 रुपया, ये प्योर उर्दू है, ठीक है? इसमें 1,000 का मतलब है बुलबुल,
बुलबुल की आवाज़, गुले बांगे हज़ार, बुलबुल की आवाज़। इसमें परिंदों का जिक्र हो रहा है कि परिंदे चहचहाते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, ठीक है। इसमें अब ये परिंदों का जिक्र होगा, इसमें आप डाटा लिख सकते हैं 5 2 3 लाइनों का, ठीक है। अब यहाँ पे आबशारों का तरन्नुम, आबशारों का तरन्नुम, पानी की आवाज़, पानी अपनी धुन में मौसीकी गाते गाते अल्लाह ताला की इबादत करता है, ठीक है। हर कोई अल्लाह ताला की इबादत करता है, जितने जानवर, फल फूल, यहाँ तक के चूंटी से ले के हाथी तक, सारे जानवर, ये सारे बुलबुल, सारे पानी की आवाज़ का अपना तरन्नुम भी अल्लाह ताला की इबादत का हमें एहसास दिलाता है, ठीक है। सारे नेचर अल्लाह ताला की इबादत करती है, जो नहीं करे वाला वो हम इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, जिनको अल्लाह ताला ने बनाया है, और हम उसकी इबादत नहीं करे, हम कितने बदबخت लोग हैं, हम कितने मुसलमान हो के हम इतने फजूल कामों में पड़े हुए हैं, दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हैं। या पता तो है सबको कि आखिरत में लौट कर जाना है, फिर भी दुनिया के चक्कर में इतना गुम हो गया, दुनिया की मोहब्बत होगी इनको दुनिया से, पर इनको क्या पता कि एंड में सब ने जाना है, आखरत आखरत आनी है, मैदान हशर में जब जाना है तब इनको पता नहीं है। लग अब मैं छोड़े, बात लंबी हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन जो हम बदबक कौम है सबसे, जो अमल दला की इबादत नहीं कर रहे हैं, बाकी सारी नेचर, आप ये थोड़ी बातें ऐड, बट इतना डिटेल से आप ऐड ना करना कि इंसान कितने हो गए, कि बस ये ऐड करना कि सारी नेचर, नेचर मतलब सारे फल फूल दरख्त पौधे पानी सारे अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, सिवाय हम इंसानों के कुछ करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं करते हैं। आपने ऐड करना है कि हम दुनिया के माहौल से मज़ा आता है हमें दुनिया में, तो हम आ भी बल्कि ये रहने दें, ये कोई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस लिख दें कि भारत नहीं करे वो हम इंसान हैं, बस। अब आगे आप अपनी नया बात शुरू करें कि उसी खालिक उसी मालिक की है सब हमदो सना, अल्लाह ताला ने कायनात बनाई, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, हम अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला हर कायनात की हर चीज़ पर कादिर है, ठीक है। और आप ऐड कर सकते हैं कि अल्लाह ताला की नेमतों का हम जितना शुक्र अदा करें इतना कम है, अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ से नवाजा है, फल फूल दरख्त पौधे कपड़े सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अगर अल्लाह ताला की नेमतें ना हो तो हम ख़त्म हो जाए बिल्कुल भी। अल्लाह ताला मुश्किल वक्त में ऐसे अब ऐड कर दे कि मुश्किल वक्त में इंसान अल्लाह ताला के पास जाता है, हमें चाहिए कि हम मुश्किल वक्त ना भी हो हम फिर भी अल्लाह ताला के लिए के पास जाए, अल्लाह ताला की इबादत करें। अब ये ऐड कर सकते हैं अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में, एक इशारे बाली ताला है, ये भी ऐड कर सकते हैं कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अगर ये सारे समंदर को मैं स्याही बना दूँ, इंक, स्याही मतलब इंक, स्याही बना दूँ, इन तमाम दरख्त को मैं कलम बना दूँ, कलम मतलब पेन, ये जो मैंने पेन पकड़ा हुआ ना ये कलम बना दूँ, फिर भी तुम मतलब किसको कह रहे हैं, इंसानों को कह रहे हैं, फिर भी तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते हो, नेमतों का अंदाज़ा नहीं कर ना नेमतों के बारे में बता सकते हो कि कितने नेमत शुक्र अदा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप ऐड कर सकते हैं, फिर एग्जामिनर आपकी तशरीह से पसंद आ जाए, आपको उसको आपकी तशरीह पसंद आ जाए, क्योंकि एक जब एक शेर या फिर हाईलाइट करके जब कोई शेर या इशारे बारी तला या फिर कुरानी लिखी हो ना हदीस जो भी लिखी हो आपने, तो इसने बहुत अच्छा पॉइंट पड़ता है, ठीक है। तो चले अब हम चलते हैं, आपको समझ आ गई होगी शेर की भी, अब हम चलते हैं एक मिनट, अब हम चलते हैं पांचवें शेर की तरफ अपने, चले अब हम करने लगे पांचवा शेर। तो इसका पांचवा शेर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ये सब आयत इलाही है, ज़रा गौर से देखो, ये सब आयत इलाही है, ज़रा गौर से देखो, देख बल्कि हाँ, उसकी फिर हम्द बयां कर, उसी खालिक को पुकार,
ये सब आयत इलाही हैं, ज़रा गौर से देख। उसकी फिर हम्द बयां कर, उसी खाली को पुकार। तो अल्लाह ताला की इसमें आप ये स्टार्ट करें कि अल्लाह ताला की नेमतें इतनी हैं, अल्लाह ताला ने फल फूल पौधे दराक दुनिया को बनाया, अल्लाह कायनात का मालिक है, अल्लाह के सिवा कोई वरद के लायक नहीं। ये मैं आपको तशरीह उतार, उसके बाद मैं मायने बताऊंगा, ठीक है। ये तो हम एडिशनल बातें, इसमें आपने पहले एडिशनल बातें ऐड कर दी इसकी तशरीह में, ठीक है, उसके बाद करना है। ये अब मैं आप बताता हूँ, अल्लाह ताला की कुदरत इतनी है कि देखिए कितना अच्छा मौसम हुआ हुआ है कि आप देखिए बारिश हो रही है, मज़ेदार सा मौसम हुआ हुआ है, फल फूल पौधे सब कुछ, पानी इनके नीचे से पत्तों के नीचे पानी गिर रहा है, कितना अच्छा मौसम हुआ हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो एक बंदे को नेचर को देख के ना एक बंदे को खुशी हो जाती है, उसी तरह मुझे भी खुशी हो रही है अभी ये मज़ेदार सा मौसम हुआ हुआ है। चले अब इसके मतलब बताओ आपको मैं बगैर टाइम वेस्ट की, आपका भी और मैं अपना भी, क्योंकि टाइम इज़ मनी ब्रो, टाइम इज़ मनी। तो इसका मैं आपको बताता हूँ मतलब क्या है, पाँचवें शेर का, ठीक है। आप ये ज़रूरी है कि आप अपने पास बुक रखें लाजमी, क्योंकि कैमरा अगर इधर उधर हो जाए तो आपको नज़र तो आए ना अपनी बुक से शेर, ठीक है। तो आपको मैं मतलब बताता हूँ इसका मतलब आयत इलाही का मतलब क्या है। इसमें आयत इलाही का मतलब है अल्लाह ताला की निशानियाँ, अल्लाह ताला की बहुत सारी निशानियाँ हैं, ठीक है, आपको पता होगा अल्लाह ताला की निशानियाँ, अल्लाह ताला की कुदरत के जलवे, ठीक है, वो हमें जगह जगह नज़र आते हैं, इन सब को अल्लाह ताला की कुदरत के जलवे हमें जगह जगह नज़र आते हैं, वो इन सब को देख कर हमारा अल्लाह की तरफ दिल जाता है, अपनी इबादत का रुख अल्लाह ताला की तरफ मोड़ लिए, ठीक है, लेते हैं हम, और लेना चाहिए भी। अगर जिसने अल्लाह की तरफ रुख नहीं किया तो अभी जाके नमाज़ पढ़े, अगर नमाज का टाइम नहीं है कुरान पढ़े, कुरान का टाइम नहीं है कोई कुरानी हदीस पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है, दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ा करें आप लोग। मतलब मैंने आपको बात की आयत इलाही का मतलब है अल्लाह ताला की निशानियाँ, ज़रा गौर से देख, उसकी फिर हम तो बयाँ, हमको मतलब बताया आपको अल्लाह ताला की तारीफ बयान करना, उसी खालिक बनाने वाला पुकार मतलब बताया आपको। तो अब इसके चलते हैं माफूम और तशरीह मिक्स की तरफ, ठीक है। तो इसका माफूम और तशरीह होगी हमारे पास यही जो मैंने आपको बताया दो तीन पॉइंट्स के अल्लाह ताला की कुदरत के जलवे हमें जगह जगह नज़र आते हैं, इन सब को देख कर हमारा अल्लाह की तरफ दिल जाता है, अपनी इबादत का रुख अल्लाह की तरफ मोड़ लेते हैं, ठीक है। और अगर अल्लाह के सिवा, अरे ये अब इसमें आप शेर ऐड कर सकते हैं कि इसी पांचवे वाले शेर पे ये सब आयत इलाही, ठीक है, इसमें आप शेर ऐड कर सकते हैं कि ये सर्द व गर्म खुश्क तर उजाला तरीकी, तीन वर्ड है, ठीक है, कंबाइन वर्ड्स है, ये सर्द व गर्म खुश्क तर उजाला तारीकी, तारीकी मतलब रात, उजाला मतलब दम से रोशनी आ जाना, ठीक है, ये उजाला तारीकी, ये एंड उतारो, ठीक है, ये दिन और रात, रात को भी ऐड कर सकते हैं, दिन को भी ऐड कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, ठीक है, पर जिस तरह शेर है उस तरह चलने दे बेहतर होगा ना दादा। ये सर्द और गर्म खुश्क तर उजाला तरीकी नज़र आती है इन सब में उस शान बारी ताला की, नज़र आती में सब में शान उसकी ज़ात बारी की। सॉरी मैं आपको शेयर गलत आ रही हूँ, वो दरअसल ये नोट्स हैं ना इसमें ऊपर नीचे करके लिखा हुआ था तो थोड़ी कन्फ्यूजन होगी थी मुझे। अब मैं बताता हूँ फिर से आपको शेयर, सॉरी आपका टाइम वेस्ट किया, दो तीन मिनट यार वीडियो को थोड़ा कर लें, स्किप कर लें, फिर तेज़ करके वीडियो देख लेना, ठीक है। तो इसको करते हैं फिर हम शेम, ये सर्द और गर्म खुश्क तर उजाला तारीकी नज़र आती है इन सब में शान उस बारी की, ठीक है, शाद बारी ताला है, ठीक है, ये शेर है इसमें। तो इसमें शेर आपने ऐड कर लिया, अब एक और बात इसमें नीचे लिख देना, ठीक है, कि अल्लाह अगर अल्लाह के सिवा किसी को पुकारे तो ये शिर्क है और उसमें बहुत गुनाह है, ये बल्कि एंड में बात ख़त्म करते हुए बात ऐड करना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ये सारी नेचर जो हमें दिखती है ये सारी अल्लाह की है, अल्लाह ने बनाई है,
अल्लाह के सवा कोई भारत के लायक नहीं। मैंने आपको थोड़ी नेचर भी दिखा देता हूँ, मूड फ्रेश हो जाएगा आपका। आपके पता नहीं आप जब वीडियो देख रहे होगे तो आपके पास ये बारिश, इतनी मज़ेदार बारिश हो रही होगी या नहीं। चले आप ये बारिश देखें, थोड़ी देर देख ली होगी मेरे ख्याल से। अब चलते हैं, बगैर टाइम वेस्ट किया यार आपका, क्योंकि फिर अब हम हमारी वीडियो भी लंबी हो रही, 25 मिनट तो हो गए हमारी वीडियो को। अब चलते हैं आखिरी शेर की तरफ। ये वीडियो हम, क्योंकि हम तो हम का मेन मीनिंग होता है अल्लाह ताला की तारीफ करना, अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र करना, अल्लाह ताला की खूबियाँ बताना, अल्लाह ताला की अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, अल्लाह ताला की खूबियों को बताना, अल्लाह ताला का जिक्र करना, अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र करना, अल्लाह इंसान को जिस मुश्किल से नवाजा है, मुश्किल मैं कह रहा हूँ अल्लाह नेमतों से नवाजा है, ठीक है। तो बाकी आप बहुत सारे इसमें बात परिंदों के बारे में बात कर सकते हैं कि परिंदों का चहचहाना, परिंदे हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, अल्लाह ने इंसान के लिए बहुत कुछ किया जो हम नहीं कर रहे, बहुत अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे। हम दुनिया की धुन में मस्त हो के अल्लाह से दूर हुए हुए हैं, ठीक है। इस तरह आप बात सकते हैं, ये हम का मेन मीनिंग है, ठीक है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये ऑल क्लासेस के लिए, क्योंकि हम पुराना 6-7 से तो स्टार्ट हो जाती है, 5-7 से स्टार्ट हो जाती पुराना, 5-7-8-9-10-11 दिस इज़ द क्लास आई एम टीचिंग राइट नाउ। 11 क्लास को मैं बना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ ये हम नज़म, क्योंकि ये उनकी बुक में से है। लेकिन इसका इस वीडियो में जो मैंने सारी बातें बताई है, इसमें आप किसी भी क्लास की हम नज़म उठा ले, आप उसकी तशरीह में सारी बातें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो मेन मकसद ये है कि ये वीडियो हर क्लास के बच्चे के लिए है, ठीक है। अब उसके आखिरी शेर की तरफ चलते हैं। अब देखें, मैंने आपको कहा था कि 30 मिनट में आपको पढ़ा दूंगा, आप सिर्फ आपको मैं टोटल 30 मिनट में आपको पूरी इसमें समझा दूँगा, डिटेल से समझाऊँगा, आपको टोटल टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हम 2x में स्पीड में देखेंगे तो आपकी टोटल 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगी वीडियो। अब मेन मकसद है कि बच्चे को यार डिटेल से वीडियो समझ आनी चाहिए, ताकि वो खुद अपने अल्फाज में तशरीह लिखें, रटर रटाई कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके जल्दी से आखिरी शेर की तरफ चलते हैं। उसकी सनत के नमूने हैं वो नहकत हो के रंग, उसकी सनत के नमूने हैं वो नहकत हो के रंग, उसकी कुदरत के करिश्मे है खिजा हो के बहार। एक बार फिर बताता हूँ शेर पढ़ के। उसकी सनत के नमूने हैं वो नहकत हो के रंग, उसकी कुदरत के करिश्मे है खिजा हो के बहार, ठीक है। तो अब सनत का मीनिंग इसमें लिख लें आप, कारीगरी, ठीक है। नहकत का मीनिंग है खुशबू, खुशबू, ठीक है, खुशबू आना एक चीज़ है, ये नहकत का मीनिंग है खुशबू। कैमरा क्वालिटी तो सही ना यार, क्योंकि मैंने पुराने फ़ोन से रिकॉर्ड करूँ, नया फ़ोन रिपेयरिंग में गया है, तो जब वो आएगा तब आपको और HD वीडियोस मिलेगी। तो चले, इसका नहकत का मीनिंग हो गया खुशबू, सनत का मीनिंग कारीगरी हो गया, कुदरत अल्लाह की कुदरत, जैसे कुदरत का निज़ाम आपको ये तो बात पता होगी, कृष्मे का पता होगा, खिजा बहार ये तो पता होगा ना, तो ये तो बच्चे को पता होता है यार, ठीक है। तो इसकी अब हम चलते हैं मफहूम, छोटे से मफहूम की तरफ, कि ये सारे मौसम अल्लाह ताला के होने की गवाही देते हैं, किसी किस्म की भी खुशबू हो और रंग है, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत है, ठीक है। क्योंकि इसमें लिखें खिजा बहार, अब मौसम आ गया, अब इसमें तो आप इतना डाटा आपके पास, कुदरत आ गया, गला की खुशबू आ गई, नहकत के मदा मदा ने फूलों में फ्रूट्स में फल फूलों में इतनी खुशबू भर दी है कि इंसान नेचर में खुशबू भर दी है, अल्लाह ने इंसान को हुसन दिया है, इस तरह आप चीज़ें लिख सकते हैं। अल्लाह की सनत का सनत मतलब मैंने बोला कारीगरी बनाने वाले का, ठीक है। इसमें आप बहुत अच्छी इस लास्ट शेर है ना, ये आपको आ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत डाटा है, इसमें आप डाटा का बहुत डाटा है, इसमें आप अल्लाह के शुरू से लेके एंड तक अल्लाह की सारी खूबियाँ लिख सकते हैं, सारी खूबी तक कभी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो नामुमकिन है। तो इसलिए आप जितना डाटा आप 2 पेजेस आपके लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें डाटा आपके पास बहुत है। इसमें इन्होंने 4 आपको मेन पॉइंट्स दिए, कुदरत, मौसम, अल्लाह ताला के बनाने वाला पूरी कायनात को नहकत खुशबू रंग, ठीक है। इसमें आपके पास चलें वीडियो एंड करते हैं, और लास्ट टाइम बारिश भी देख लें आप, मज़ेदार बारिश हो रही है, लगातार हुई जा रही है, मज़ा तो आ जाएगा आपको। चले अब चलते हैं वीडियो के इख्तिताम की तरफ। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, इन्जॉय करो, वीडियो को देखो, जैसे कि वीडियो के साथ कुछ स्नैक्स खा लो, आपकी एनर्जी बूस्ट अप हो जाएगी। और ये है हमारी हम की नज़म, कंप्लीट हो गई है, ठीक है, एंड तक।
तो अभी मैंने आपको हम की नज़म कराई है 30 मिनट्स में। ये देखिए कितनी ज़्यादा नज़में हैं, कितनी ज़्यादा नज़में, कितनी सारी नज़मों की आप लोग तशरीह नहीं याद कर सकते। वीडियो में आपको सारी नज़मों की दूंगा क्योंकि मैंने पहले से बना के रखी हुई, सारी नज़मों की वीडियो अपलोड करने में मुश्किल होती है क्योंकि नेट या बड़ा स्लो आता है, तो इसलिए पी टी सेल का लगा मैं ना, तो इसी वजह से पी टी सेल की बेइज्जती होगी, पी टी सेल की मेरी वीडियो बैन ना कर दे यार। चल छोड़ो यार, क्या आपका टाइम वेस्ट करो। चलिए सारी नज़मों की आपकी बुक गंदी की नहीं कर रहा क्योंकि पुरानी बुक है यार, मेरा बुक शॉर्ट पड़ेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये नज़मों की सारी तशरी आप याद नहीं करते, मतलब समझो यार शेर का सिंपल और अपने अल्फाज में लिखो। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़ बच्चों, इंजॉय करना, पेपरों की अच्छी तैयारी करना, अपना माँ बाप का नाम रोशन करा, अल्लाह हाफिज़।